नमस्कार दोस्तों, अगर आपका रेगुलेटर जाम हो या रेगुलेटर से गैस नहीं निकल रही हो तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे, आइए इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारा जो गैस रेगुलेटर है वो जाम होता क्यों है, क्यों नहीं इससे गैस पास होती है, तो इसके बारे में हम पहले बता देते हैं। बहुत दिनों तक जो है रेगुलेटर को इस्तेमाल करने के बाद जो है इसके अंदर का जो तेल है वो सूख जाता है, जिसके वजह से जो है ये निकलने में जो है परेशानी होती है। जाम का जो वजह है यही तेल सूखने की वजह है, और जो है हमारा जो गैस नहीं निकलता है, जब तक आपका ये नहीं निकलेगा तब तक ये आपका गैस जो है पास नहीं होगा। तो ऐसे में आप इसे कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपको इसमें एक बूंद सरसों का तेल दे देना है इस तरह से, इस तरह से मात्र आपको एक बूंद सरसों का तेल दे देना है। तो ऐसे में क्या होगा, उसके बाद सरसों का तेल देने के बाद दोस्तों आपको चाबी कुछ इस तरह से जो है घुमा लेना है। अगर आपका चाबी भी जाम हो, अगर चाबी भी सही से नहीं घूम रहा हो तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद आप धीरे धीरे जो है चाबी को घुमाएंगे तो देखेंगे कि चाबी जो हमारा फ्री हो जाएगा। अब आप अपने सिलेंडर में इस्तेमाल करके इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी इस प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप रेगुलेटर को बदल लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।